Nothing below, nothing above. No matter how low I get, Lord, you are enough. Nothing can separate me from your love. Nothing can separate me from your love. Lord, you are King of Kings. I'm here to give you everything. Assalamu alaikum, welcome back. क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी दोपहर का टाइम है, दोपहर के बाद का टाइम है और चने मैंने बॉयल किए थे तो मैंने सोचा मैं जल्दी से चाट बना लेती हूँ। और ये चीज़ें आजकल ज़रा ज़्यादा ही चल रही हैं और बड़ा अच्छा हो रहा है। खैर, मुझे रिजल्ट्स भी नज़र आ रहे हैं, वेरी हैप्पी, क्योंकि आप जब एफ़र्ट करते हैं और आपको रिज़ल्ट मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है। अच्छा जी, चावल मैंने भिगो के रखे हैं क्योंकि इससे पहले वाला जो व्लॉग मैंने शेयर किया था तो उसमें आपको मैंने बताया था, बल्कि दिखाया था आपको कि मैं चिकन लेकर आई थी, तो मैंने आज चिकन जो है वो ओवन में बेक करना था, वो आपको अभी मैं आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने थोड़े से आलू बॉईल कर लिए और मैंने कहा चलो आज मैं आलू डाल देती हूँ। वैसे तो अक्सर मैं वैसे ही खा लेती हूँ, लेकिन दोपहर को खाना नहीं खाया था, सुबह को नाश्ता किया था, तो ये अब लंच भी हो जाएगा हमारा और स्नैक भी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने थोड़े से आलू जो है ना वो इसमें डाल दिए हैं। और थोड़ा सा इसमें मैं दही डाल रही हूँ और सैलड मैंने जो भी आपको दिखाया है वो मैं डाल दूँगी। और एक दो दिन मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हुई हुई थी, बिज़ी कहाँ थी वो अभी आगे मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ना सैलेड डाल के और इसको मैं एक चाट की तरह बना लूँगी। चटनियाँ बिल्कुल ख़त्म हुई हुई हैं तो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि मैं चटनियाँ जो हैं वो बनाऊँ, जैसे इमली की चटनी हो गई, आलू बुखारे की चटनी हो गई, तो ये बड़ी अच्छी लगती हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये कि आज मैंने ना थोड़ी सी लाल मिर्चें इसमें डाली हैं, बहुत अच्छी लगती हैं तो मैंने थोड़ी सी डाल दी। कभी आपने ट्राई ना किया हो ना रायते में या इस तरह से कोई भी चाट बनाते हैं तो लाल मिर्चें बड़े मज़े की लगती हैं, टेस्ट इनका बड़ा अच्छा लगता है। तो ये जी बस डन हो गई है, फटाफट से जो है मैं इस तरह से बना लेती हूँ। और चने मैं अक्सर तकरीबन हर दूसरे दिन या तीसरे दिन मैं बॉयल कर लेती हूँ और एक दो दिन फिर फ्रिज में चल जाते हैं, एक आध दिन तो चल ही जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, मेरी उंगली बहुत ही बुरे तरीके से कट गई। मैं जल्दी जल्दी काम कर रही होती हूँ ना, मैं जब कुकिंग करती हूँ या काम करती हूँ मैं बहुत जल्दी करती हूँ, उस जल्दी के चक्कर में अक्सर मेरा हाथ जो है वो कट जाता है, समटाइम जल जाता है, क्योंकि मुझसे स्लो काम होता ही नहीं है, मैं ज़्यादातर बस जल्दी जल्दी काम करती हूँ। बर्तन मैंने सारे वॉश कर लिए और उसके बाद जो है बस अभी हम दोनों निकल रहे हैं वॉक करने के लिए। आज हम थोड़ा सा लेट हो गए, एक्चुअली मैं जो हूँ ना वो खुद ही जाती हूँ ज़्यादातर, तो आज उस्मान ने मुझे कहा कि मैं आपके साथ चलता हूँ। थोड़ी सी उनको ठंड लगी हुई थी, ज़रा उनकी तबीयत नासाज हुई हुई थी, तो मैं उनको कह रही थी कोई बात नहीं है मैं करके आती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अच्छी तरह से पैक हो जाता हूँ और मैं जो है ना वो साथ चलता हूँ। खैर, मुझे बड़ा मज़ा आता है, बल्कि हर एक को मज़ा आता है, आप जब भी कोई वॉक करते हैं इस तरह से, कहीं भी जाते हैं, आपके साथ कोई पार्टनर होता है ना तो बड़ा मज़ा आता है। तो मैं उस्मान के साथ खैर फिर काफ़ी गपशप लगाती हूँ, बड़ा मज़ा आता है, बातें करते हैं हम लोग और बहुत इन्जॉय करते हैं। और आज हम याद कर रहे थे लाहौर के टाइम को, क्योंकि लाहौर में हम जितने भी बिज़ी होते थे, दोनों जॉब करते थे, इस्लामाबाद में भी इवन हम रेगुलर जाते थे, लाहौर में ये होता था कि मैं भी जॉब करती थी, उस्मान भी जॉब करते थे, तो हम जब रात को निकलते थे ना वॉक करने के लिए डेली, साथ ही हमारे घर के पार्क था, तो वहाँ पर फिर हम सारे दिन की बातें करते थे एक दूसरे को, अपनी अपनी जॉब्स की, सारे दिन का हाल अहवाल सुनाते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो वही टाइम हम आज मिस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे उस टाइम को। हम लोगों ने आज बड़े मज़े की वॉक की, अच्छी खासी वॉक की और मज़ा आ गया। और उस्मान पे मैं यहाँ पे हंस रही थी कि इतने आप पैक होके निकले हैं, लेकिन खैर बहुत अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे कोई पता नहीं चलता, हवा तूफान सर्दी बारिश बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग घर आ गए और घर आने के बाद फिर मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया। दो दिन मैंने अपना व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि ना मैं आजकल बस ये आपको कहूँ ना कि मेरी बस हुई भी है, सारा दिन सफाइयाँ क्लीनिंग यही सब कुछ चल रहा था। अच्छा, ये चिकन मैं लेकर आई थी आजदा से और ये मैं ट्राई करने के लिए लेकर आई थी कि चलो कभी कभार इंसान ले ले, कभी इमरजेंसी में लेना पड़ जाए या तबीयत ठीक ना हो, कुछ भी ऐसा कोई गेस्ट आ जाए, तो मैंने सोचा कि मैं इसको ट्राई करती हूँ, इसीलिए मैं लेकर आई थी। और ब्रोकली जो है ये भी इस तरह से मैं लेकर आई थी टेस्को से,
तो ये भी अभी मैं इसके साथ ही बनाऊंगी। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं इतनी ज़्यादा मतलब सारा दिन सारा टाइम जो है ना मेरा सफाइयों में क्लीनिंग में इसी में लग जाता है, क्योंकि जो मेरा किचन है स्पेशली या लिविंग रूम है या इस तरह से, तो उस पर ना बहुत ज़्यादा मोल्ड भी आ जाती है और काफ़ी प्रॉब्लम्स और भी हैं यहाँ पे। तो मैं इस वजह से 2 दिन बहुत ज़्यादा बिजी हुई हुई थी, काम 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 चल रहे थे, और एक काम आप शुरू करते हैं उसके साथ 10 काम और निकल आते हैं, तो बस यही सब कुछ जो है ना वो चल रहा था। इस वजह से 2 दिन फिर मैं व्लॉग भी आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। अगर मैं व्लॉग नहीं भी करती हूँ तो व्लॉगर बर्ड किचन पे, जो मेरा किचन चैनल है, मैं वहाँ पे शेयर कर देती हूँ बीच में, तो आप लोग वहाँ पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। चिकन जो मैं ये लेकर आई ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये स्किन के साथ नहीं है, स्किनलेस जो होता है बगैर स्किन के है, तो मैंने जब देखा तो ये तो स्किन के साथ था। पहले मेरा इरादा ये था कि मैं इसको हाफ ही एयर फ्रायर में बना लेती हूँ, एयर फ्रायर में बड़ा जल्दी बन जाता है, लेकिन फिर जब मैंने इसको अभी देखा तो ये इसके ऊपर सारी स्किन थी, तो फिर मैंने उस्मान को कहा, मैंने कहा ऐसा करती हूँ पूरा ही बेक कर लेती हूँ। अब 2 बंदे पूरा चिकन तो नहीं खा सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कल खा लेंगे। अब मज़ीद मैं इसको किस तरह से काटूँ स्किन के साथ और इतना मैं अब एफ़र्ट करूँ, तो मैंने कहा बस इसको मैं ना सारा ओवन में बेक कर लेती हूँ, तो कोई बात नहीं, फिर हम लोग इसको कल जो है वो खा लेंगे। उस्मान बिन भी निकाल दें बस फिर, ठीक है। उस्मान जो है वो नीचे गए थे रिसाइकल का जो सामान है वो बिन करने के लिए, डालने के लिए गए थे, और हमारा हफ्ते में एक दिन जाता है, डिफरेंट जो है ना वो जाते हैं, तो एक दिन जाता है, तो बस वही मैंने उनको कहा कि आप बाहर रख लें, और जितना घर में भी सामान होता है चीज़ें सारी होती हैं तो वो भी हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने साथ ब्रोकली जो है वो साइड पे रख ली, बाकी मैंने ऐसे कुछ नहीं रखा, क्योंकि ब्रोकली मैंने कहा यूज़ कर लेती हूँ ये ना ख़राब हो जाए। इसको मैंने अच्छी तरह से फॉइल में कवर कर लिया, और ये मैंने तकरीबन 30 से 35 मिनट ना इस तरह फॉइल में बनाया, और फिर 20 से 25 मिनट मैंने बगैर फॉइल के बनाया। ऑयल वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला, क्योंकि इसमें ऑलरेडी काफ़ी जो है ना स्किन जो होती है ना उसमें काफ़ी फैट होता है, तो मैंने बिल्कुल एक ड्रॉप भी ऑयल का नहीं डाला, और मैंने इसको जो है ना एज इट इज़ रख दिया था। और स्किन जो है वो खाते हुए फिर मैंने हटा दी थी, क्योंकि इसमें फ़ैट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वैसे तो अच्छी बहुत लगती है टेस्ट वाइज, लेकिन यह कि अगर आप थोड़ा सा ख्याल करें, केयर करें, तो बेहतर है कि स्किन को ना खाएं। अच्छा जी, यहाँ पे आपको मैं दिखा रही थी, ये देखें आप, बस सारा दिन सारा टाइम जो है ना, जैसे ये मेरा डो मेकर पड़ा, इसके पीछे भी मोल्ड लग जाती है, दीवारों पर भी लग जाती है, इवन कि जहाँ मैं बर्तन धोती हूँ एक दिन साफ़ करती हूँ, फिर 1-2 दिन गुजरते हैं तो वहाँ पर भी ये हाल हो जाता है, तो सारा टाइम सारा दिन बस मेरा इसी तरह से गुजरता है। तो खैर, यहाँ पे मैंने अब थोड़ा थोड़ा लगी रहती हूँ, सारा दिन करती रहती हूँ यही काम, बस मेरे जो है ना वो सारा दिन ही लगे रहते हैं। तो जब तक खाना बनता है ना, मेरी डेली भी यही रूटीन होती है कि मैं साथ साथ समेटा समेटी तो चलती रहती है, लेकिन थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग जितनी होती है वो लगा ही रहता है सारा टाइम। तो हाफ़ कुक हो गया तकरीबन 30-35 मिनट, उसके बाद फिर मैंने फॉइल हटा दिया, और अब जो है ना मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी सेम टेम्परेचर पर। आप देख सकते हैं 200 से 220 पे मैं रखती हूँ। साथ मैंने रायता बना लिया, और ये नैंडोस की पेरी पेरी सॉस जो है ना, लेमन और हर्ब वाली, ये मुझे और उस्मान को बहुत अच्छी लगती है, तो ये भी मैंने निकाल ली कि चलो अगर होगा तो टेस्ट करेंगे। फर्स्ट टाइम मैंने ये बनाई तो मुझे आइडिया नहीं था इसका टेस्ट कैसे होगा, वैसे तो ये भी पेरी पेरी चिकन है, लेकिन घर में बनाती हूँ तो अपने टेस्ट का पता होता है। अब ये मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, तो बस ये बेक हो गया, अब इसको लेके चलते हैं रूम में। साथ मैंने राइस बना लिए थे, इसकी वीडियो मैंने बनाई नहीं क्योंकि काफ़ी बार मैं शेयर कर चुकी थी, तो ये भी मैंने झटपट जो है वो रेडी कर लिए थे राइस कुकर में। और अपना मैं देख लेती हूँ जितना भी है ना, आपको मैंने बताया है कि मैं वॉच करती हूँ उसकी क्वांटिटी को, उसके वेट को, सारा सब कुछ फिर मैं खाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रखा, बाकी काम होता है उस्मान का। उस्मान जो है इसकी कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब भी मैं कुछ बनाती हूँ आपको बताती हूँ, इस तरह की चीज़ें होती हैं ना वो मैं रख देती हूँ, ये सारा काम फिर मैं उस्मान को कहती हूँ जैसे काटना है जो काटना है आप करें, मेरी फिर मैं बस हो जाती है, मैं थक जाती हूँ तो मैं थक के बैठ जाती हूँ, तो उस्मान जो है ना वो काटते हैं, और मुझे अच्छा भी लगता है कि वो काट के फिर सर्व करते हैं, क्योंकि वैसे तो ज़्यादातर मैं ही कर रही होती हूँ, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ बने, पिज़्ज़ा बनाऊँ कुछ भी ऐसा, तो फिर वो सर्व करते हैं। ब्रोकली बहुत ही मज़े की लगी थी, और इसमें जो जूस आता है ना इसका, ये जो आप नीचे देख रहे हैं, तो
तो ये बड़ा मज़े का लगता है। इसमें आप वेजिटेबल्स डाल के जब बेक करते हैं तो मज़ा आ जाता है। तो इंशाल्लाह ताला ख़ुद भी बनाऊंगी अपनी रेसिपी से, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, करती रहती हूँ इंशाल्लाह, आगे भी करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।